आका ने खोल खोल के बयान किए हैं। अब तक जो आप हजरात के सामने हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा बयान कर रहे थे, उनमें से अक्सर वो हिस्सा था कि मेरे आका की मोहब्बत हमारे दिल में कितनी होनी चाहिए। इस पर हमने तफसील से गुफ्तगू की, आपके सामने जिक्र किया कि मेरे आका ने इबादत, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात को कैसे जिक्र फरमाया, वो कैसे सीखना चाहिए। इस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं। आज से हम मुआशरत के एतबार से अपने पहलू का आगाज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हम उस हिस्से को बयान करेंगे जो इंसान को अपने घर से बाहर सबसे पहले जिस चीज़ से वाबस्ता होता है, वाबस्तगी होती है, ताल्लुक पड़ता है इंसान का अपने औलाद, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों, अपने घर वालों के बाद सबसे ज़्यादा जिसके साथ वास्ता पड़ता है, जिसके साथ रहन सहन होता है, जिसके साथ मामलात करने पड़ते हैं, वो इंसान का पड़ोसी है। इंसान का पड़ोस ये इंसान के घर के साथ होता है। तो उसके अहकामात क्या हैं, शरीयत में मेरे आका ने उसके बारे में क्या क्या फरमाया है, हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन इस बारे में गुफ्तगू करें। आप यकीन करें कि इंसान को अपने पड़ोसियों के साथ कैसा ताल्लुक रखना चाहिए, मेरे आका ने इस बारे में बड़ी तफसील से गुफ्तगू फरमाई है। खुद मेरे आका तो बाद में गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आका के साथ पहले मेरे अल्लाह के अहकामात लेकर आने वाले जिनाब जिब्रील अमीन इतनी बार तशरीफ लाए, इतनी बार तशरीफ लाए कि आका फरमाते हैं, ए लोगो, ए मेरे सहाबा, मेरे पास जिब्रील पड़ोसियों के बारे में इतनी कसरत के साथ आए हैं ना, इतनी कसरत के साथ आए हैं, मुझे खतरा होने लगा, हत्ता जनंतु अन्नहु सयुवर्रिसहु, शायद कहीं मेरा अल्लाह इनको मीरास के अंदर वारिस न बना दे। यानी पड़ोसियों के हुकूक, इंसान के हुस्न सलूक जाहिर सी बात है इंसान के घर में उसके बीवी बच्चों के साथ होगा, उसकी औलाद के साथ होगा, उसके माँ बाप के साथ होगा, और उसके बाद उसके पड़ोसी हैं। पड़ोसियों के साथ ताल्लुक रखने का हुक्म मेरे आका ने फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर और यौम आखरत पर ईमान रखता है, जो अल्लाह और उसके रसूल पर इकराम ईमान रखते हैं, फल युक्रिम जा रहू, अपने पड़ोसियों का इकराम करे, पड़ोसियों के साथ ताल्लुक अच्छा रखे। इकराम के अंदर आ सकते हैं क्या, आप उनकी खुशी में शरीक हों, उनकी गमी के अंदर शरीक हों, उनके दुख दर्द को बांटें, उनकी अच्छाई और बुराई के अंदर बराबर शरीक रहे। एक हदीस मुबारक में तो आका यूं भी फरमाते हैं, ऐसा बंदा लैसल मोमिनो, वो बंदा मोमिन हो ही नहीं सकता जो खुद तो रात के वक्त पेट भर के खाना खाते हैं और उसका पड़ोसी उसके पहलू के अंदर भूखा पेट सो जाता है, ऐसा बंदा मोमिन नहीं है, ईमान की नफी कर दी। मुहद्दिसीन फरमाते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि यह बंदा काफिर हो जाएगा, अगर पड़ोसियों के घर खाना नहीं भेजता तो का नहीं काफिर नहीं होगा, कमाल ईमान इसको हासिल नहीं होगा। ईमान का कमाल, ईमान का नूर हासिल करने के लिए जब खुद पेट भर के खाए तो साथ पड़ोसी के घर का ख्याल रखना भी जरूरी है। आप अलैहिस्सलाम ने तो यहां तक फरमाया कि जब तुम खाना बनाओ ना, खाना बनाते वक्त शोरबे वाला सालन बना रहे हो तो पानी कुछ ज्यादा डाल दो। इस पानी के ज्यादा डालने से फायदा क्या होगा कि आपका शोरबा ज्यादा बन जाएगा, और शोरबा बनने के बाद एक कटोरी सालन की रात को अपने पड़ोस के, दिन में किसी भी वक्त उन पड़ोस के घर के अंदर जरूर भेजो। आप अपने मामलात के अंदर उसको शरीक रखो। अमाशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने पूछ लिया, या रसूलल्लाह आपने तो फरमा दिया लैसल मोमिनु, वो बंदा मोमिन ही नहीं है कि जो खुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए। तो पड़ोसियों का इतलाक कितने घरों पे होते हैं, साथ वाला पड़ोसी है, आगे वाला पड़ोसी है, पीछे वाला पड़ोसी है, पड़ोसी है कौन, कितने घर हैं। आका फरमाती हैं, आयशा तेरे घर के दाएं जानिब 10 घर, तेरे घर के बाएं जानिब 10 घर, तेरे घर के सामने 10 घर, तेरे घर के पीछे 10 घर, ये 10 घर तक पड़ोस का इतलाक होते हैं, तो टोटल 40 बन गए। अमैशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला ने सवाल करके आपके लिए और मेरे लिए सहूलत पैदा फरमा दी। पूछा का 40 घरों में खाना भेजने की हिम्मत किसमें, खुद बड़ा मलक हो तो वो तो भेज सकते हैं, अल्लाह उन्हें तौफीक दे दे भेजने की, हर एक मलक को भी तौफीक नहीं होती, किसी किसी का माल मेरे अल्लाह कबूल करते,
40 घरों के अंदर खाना भेजना रोजाना हर वक्त, ये तो किसी के बस के किसके बस में होगा? आका ने फरमाया आयशा परेशान ना हो, उस पड़ोसी के घर में तू खाना भेज दे जिसका दरवाजा तेरे दरवाजे के ज्यादा करीब है। अगर तूने इतना कर लिया ना, बस तेरे ईमान के कामिल होने की अलामतों में शुमार है। अब घर के दरवाजे के करीब तो एक ही दरवाजा होगा, सामने दरवाजा होगा, दाएं तरफ दरवाजा होगा, इसमें भी फीता लेके पेमेश कर लेना कि करीब तरीन दरवाजा किसका है, जिसका दरवाजा करीब तरीन आप उसके। देखिए पड़ोस का ख्याल करते वक्त फरमाया आप घर के अंदर फल लेकर आओ तो आपने फल खाने हैं, खाओ, अल्लाह ने रिज्क दी है, खाना भी चाहिए, लेकिन फल खाने के बाद उसके छिलके, उसके ऊपर से उतरने वाला जो हिस्सा है उसको आप गली के अंदर आम रास्ते के ऊपर ना डालो। क्यों जी? अगर आप आम रास्ते के ऊपर डालोगे, आपने तो डाल के अपने हाथ धो लिए, आप तो अपनी चारपाई पे लेट गए। मुमकिन है आपके पड़ोस के अंदर ऐसा पड़ोसी भी हो जो इंतहाई गरीब हो और उसके बच्चे घर से बाहर निकले, उनकी नजर उसके ऊपर पड़े, वो जाकर अपने बाप से मुतालबा करें और उसके बाप की जेब में इतने पैसे ना हो कि वो उनके लिए फल खरीद के ला सके। इससे क्या होगा? आपकी वजह से पड़ोसी को तकलीफ हुई है और इस तकलीफ में जाहिर है या तो अपने बच्चे के लिए कोई गलत काम करेगा या फिर किसी से कर्ज लेगा, आपकी वजह से वो कर्ज के अंदर डूबा है, तकलीफ में डूबा है, ये इतना भी आपने नहीं करना। फरमाया आप घर के अंदर कोई ऐसी चीज बना रहे हैं ना जिसकी खुशबू उठती है, पहली बात तो कोशिश करें कि खुशबू उठे ना। अगर खुशबू उठ रही है तो आसपास पड़ोसियों के अंदर जहां जा रही है ना तो वहां तक कोशिश करें कि उसके अंदर से थोड़ी थोड़ी चीज उनके घर जरूर भेज दें। ऐसा ना हो कि आपके घर के अंदर तो मुरगन गिजाएं बन रही हो और साथ पड़ोसी भूखा बैठा हो। यह पड़ोसियों के हुकूक आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए। फिर अगली बात अहदीस के अंदर आप गौर करके देख लें, आप अलैहिस्सलाम ने यूं फरमाया फल युक्रिम जारहू, जार के साथ मोमिन की कैद नहीं लगाई है। पड़ोसियों के हुकूक जहां पर बयान फरमाए वहां यूं नहीं कहा कि आपका पड़ोसी मोमिन होगा तो उसका इकराम करने, अगर वो मोमिन नहीं है तो इकराम नहीं करना। यह नहीं फरमाया कि ईमान वाला होगा तो उसके घर में सालन भेज देना, अगर ईमान वाला नहीं है तो उसके घर में सालन नहीं भेजना, ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई है। गोया मेरे पैगंबर ने तालीम दी है पड़ोसी होना अलग मामला है और उसका मुसलमान होना अलग मामला है। आपका पड़ोसी जो भी है, मुसलमान है या काफिर है, बहसियत पड़ोसी होने के उसको तकलीफ से बचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। और सिर्फ तकलीफ से बचाना नहीं बल्कि उसके साथ हुस्ने सलूक करना, उसकी खैर खबर रखना, उसके अच्छे बुरे का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। आजकल के दौर के अंदर नहीं, पड़ोस के अंदर रहते हुए 10-10 साल गुजर जाते हैं, साथ पड़ोसी को पता ही नहीं होता कि हाल क्या चल रहा है। आप अलैहिस्सलाम एक मरतबा वजू फरमा रहे, सहाबी है, अकीदत थी, मेरे आका के वजू का इस्तेमाल शुदा पानी लिया और वो पानी लेकर ना अपने चेहरे पर मलने लग गए, अपने हाथों पर मला। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई क्या कर रहे हो? आका आपका तबर्रुक हासिल कर रहे हैं। क्यों भाई? आका आपसे अकीदत बड़ी है, क्या करना चाहते हो इस तरह? आका ये जो आपका इस्तेमाल शुदा पानी है ना हम लगा रहे हैं, हमारा मकसद इससे ये है कि आका आपकी और आपके रब की मोहब्बत हासिल हो जाए। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा अगर तुम ये चाहते हो ना मेरी और मेरे रब की मोहब्बत लेना, तीन काम तुम कर लेना, उन तीनों की पाबंदी तुम कर लेना, मैं मोहम्मद जामिन हूं, मेरी भी मोहब्बत मिलेगी, मेरे रब की भी मोहब्बत मिल जाएगी। फरमाया वो तीन काम कौन से? नंबर एक, सबसे पहली बात, ऐ मेरे सहाबा जब जुबान खोलो बात करो तो हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। हमारे यहां तो जिनाबे वाला झूठ को भी फैशन बना दिया गया, मैंने दूसरे को पागल बना दिया, झूठ बोलेगा मैं इतना तेज हूं मैंने चकमा दे दिया, झूठ बोलेगा, झूठ बोलने के बाद जिनाबे वाला दूसरे बंदे को तो उल्लू बनाना मेरे दाएं हाथ का काम है, हालांकि वो झूठ बोल रहा है, इस झूठ के ऊपर बकायदा पकड़ होगी। आका फरमाता है जब जुबान खोले तो सच बोले। और दूसरी बात, जब तेरे पास कोई बंदा अमानत रखवाए तो उस अमानत में खयानत न करना। और तीसरी बात ये फरमाई, तवज्जो करना, जुबान खोले तो सच बोले और जब कोई अमानत रखवाए तो अमानत में खयानत न करे। और तीसरी बात यह कि तेरे साथ घर के जो पड़ोसी है उस पड़ोसी को अपनी जात की तकलीफ से तुम बचा लेना, मेरे रब की मोहब्बत में मोहम्मद जामिन बनता हूं, अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा।
आसान सी बात फरमाई ना कि तीन काम करो। और ये फिर मैं अर्ज कर रहा था कि मोमिन और काफिर का इसमें फर्क ही कोई नहीं है। आपली सलात वो हदीस में वाकई है ना, आपली सलात सलाम को एक बच्चा मिलने आता था, यहूदी था, उसे मेरे आका से उन्स था, मोहब्बत थी, वो उस मोहब्बत की बुनियाद पे मिलने के लिए आता था। एक दिन वो मिलने के लिए नहीं आया, आप अलैहिस्सलाम वो पड़ोसी भी था, आप इसको किसी और जगह, मैं मौजू के मुतालिक मौजू से मुनासबत के अतबार से बता रहा हूँ, पड़ोसी था मेरे आका को मिलने के लिए आता था, एक दिन मिलने के लिए नहीं आया। आका ने फरमाया मेरे सहाबा वो जो यहूदी बच्चा आता था ना उसका पता करो वो कहाँ पे है। पता किया गया, यार रसूलल्लाह तो बीमार है, वो तो घर के अंदर है। आका फरमाता चलो उसकी तीमारदारी करने के लिए चलते हैं। अंदाजा करें कोई मुसलमान सहाबी करीबी होता, हम तो अपने किसी करीबी की तीमारदारी के लिए नहीं जाते, टाइम नहीं है जी मेरे पास, वक्त नहीं है, क्या कर रहा है तू भाई, बस बैठा हुआ दो घंटे फेसबुक चला लेगा, मुसलमान की इयादत नहीं करेगा, तीमारदारी नहीं करेगा। हालांकि तीमारदारी करने के जो फजाइल बयान किए, ये मेरे तबलीगी भाइयों से पूछो, कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान की सिर्फ बीमार पुरसी करने के लिए चला जाए ना, बीमार पुरसी करने के लिए, सुबह के वक्त गया तो शाम तक 70,000 फरिश्ते इसके लिए मगफिरत की दुआ करते हैं, इसके लिए। ये भी अजर नहीं है, ये इनाम है। एक अजर होते है, एक इनाम होते है। अब यहां भी ये अजर, अजर क्या होगा वो तो मेरा रब अपनी शान के मुताबिक अता करेगा। दस्ती इनाम क्या मिला, शाम तक 70,000 फरिश्ते तेरे लिए मगफिरत की दुआ करेंगे। ए बीमार की बीमार पुरसी, आकर फरमाया अच्छा बीमार है, चलो जी मैं मोहम्मद उस यहूदी के घर में जा रहा हूं। अल्लाह की कसम मेरे पैगंबर ने यह नहीं फरमाया कि ना ना मैं तो तीमारदारी के लिए नहीं जाता क्योंकि वो तो यहूदी है, मैं तीमारदारी के लिए नहीं जाता क्योंकि वो तो मुसलमान नहीं है, मैं तीमारदारी के लिए नहीं जाता क्योंकि वो तो फलां के खानदान का नहीं है। ऐसा नहीं मेरे नबी ने फरमाया। आका फरमाते मैं तीमारदारी करने के लिए चला गया, मेरे आका घर के अंदर पहुंचते हैं, देखा उस बच्चे को चारपाई पर लिटाया हुआ है, उसके बाप से बातचीत करने के बाद बच्चे के सरहाने पहुंचते हैं मेरे पैगंबर। उस बच्चे के सरहाने जब पहुंचे, आका ने उसकी हालत देखी, हालत देखकर पहचान गए कि बच्चे को इस बीमारी से शिफा नहीं मिलनी, बच्चे का आखिरी वक्त आ चुका है। मेरे पैगंबर ने बच्चे के सर के ऊपर प्यार से मोहब्बत से दस्ते शफकत रख के फरमाया बेटा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कह देना कलमा पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा रब तुझे जहन्नम की आग से आजाद फरमा देगा। वाकया लिखा, यहूदी बच्चा है, आप अलैहिस्सलाम की दावत सुन के ना उसने यूं लेटा हुआ था, अपने बाप की तरफ देखा, गोया सवालिया नजरों से देखा, अब्बा जान दावत मिल रही है, मेरा तो दिल चाहता है, आप बताएं कि मैंने करना क्या है, आप बताएं। बाप ने कहा अति या अति अबुल कासिम, बेटा अबुल कासिम आप अलैहिस्सलाम की कुनियत है, मान लो इनकी बात, मान लो ये जो कह रहे हैं मान लो। जैसे ही बाप ने इजाजत दी, बेटे ने फौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के आखिरी लफ्ज पे था, वहीं पर रूह निकली और रब्बे जुल जलाल के पास पहुंच गया। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बड़े मुस्कुरा के आते आ रहे हैं, खुश होते आ रहे हैं, मस्जिद के अंदर पहुंचे, दूसरे सहाबा जिनको पता नहीं पूछा यार रसूलल्लाह बड़े खुश महसूस हो रहे हैं, बड़ी खुशी हो रही है, आज कोई नई बात हो गई है। आका मुस्कुरा के फरमाते हैं हाँ मेरे रब ने मुझे सबब बनाया है, मेरा एक उम्मती जहन्नम से बच के जन्नत में जाने वाला बन गया। अंदाजा करें, अब यहाँ पे देखें मर्ज करो, मुसलमान होना उसके हुकूक बिल्कुल अलग है, और ये तो काफिर था ना, मेरे पैगम्बर ने फरमाया पड़ोसी है ना, अब काफिर हो अलग बात है, बहसियत पड़ोसी बहसियत इंसान उसके अपने हुकूक है, वो हुकूक पूरे तुमने अदा करने हैं। एक मरतबा आप इस्लाम बैठे हैं, सामने से जनाजा गुजरा, तवज्जो कीजिएगा जनाजा, आप इस्लाम ये भी हुक्म है ना आपके सामने से मैयत गुजरे ना जनाजा उसका जा रहा हो तो आप बैठे हुए सिगरेटे ना फूकते रहें गप्पे ना मारते रहें, मैयत जा रही है तो उसके एहतराम में खड़े हो जाए, बेहतर तो आप उसके साथ चले, आप जनाजे के साथ चले जनाजा पड़े जाके कफन दफन के, इसका बड़ा अजर है सवाब है, आप नहीं जाना चाहते तो कम से कम एहतराम में खड़ा हो जाएं, जब मैयत गुजर जाए तो मैयत के गुजरने के बाद बैठ जाएं। अपने सलाम बैठे थे, जनाजा गुजरा तो मेरे आका खड़े हो गए, जैसे खड़े हुए मैयत गुजरी, साहबा ने फरमाया या रसूलल्लाह ये तो मुसलमान नहीं था, ये तो यहूदी था जिसके जनाजे के लिए आप खड़े हुए। आका फरमाते अलैसत नफसन, ठीक है यहूदी था, क्या इंसान तो था ना, जुमला समझ रहे, चलो ठीक है यहूदी है लेकिन इंसान तो था ना,
मैं तो उसके इंसानी हक की वजह से खड़ा हुआ था। अंदाजा करें जो पैगंबर इतने हुकूक की तालीम दे रहे, उस पैगंबर ने क्या क्या चीज नहीं बताई होगी। हाँ बताया, सारा कुछ है। फर्क इतना है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम आप अलैहिस्सलाम की तालीमात को सीखते नहीं है, हम आप अलैहिस्सलाम की तालीमात का मुताला नहीं करते। मेरे आका का मुस्तकिल बाब है, आप हदीस की किताबों के अंदर देखें पड़ोसी के हुकूक क्या है, मेरे आका ने मुस्तकिल बयान फरमाया है। हम कह दें मैंने तो आज तक ये बात नहीं सुनी, भाई सुनता कैसे, तूने ना खुद पढ़ा है ना किसी पढ़ने वाले के पास गया है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कुन आलिमन, सबसे पहली बात यह कि आलिम बनो, आला बात है, कोशिश करो खुद आलिम बनो। आलिम नहीं बन सकते औ मुतालिमन, तालिब इल्म ही बन जाओ ना। अच्छा तालिब इल्म नहीं बन सकते औ मुस्तमीअन, और इनकी बातें सुनने वाले बन जाओ। अच्छा वो भी नहीं बन सकते ना औ मुहिब्बन, इनसे मुहब्बत करने वाले बन जाओ। अच्छा ये भी नहीं बन सकते वफी रिवायतिन औ मुआविनन, इनके साथ ताउन करने वाले ही बन जाओ। अच्छा ये भी नहीं बन सकते ना वला तकुन खामिसा, इसके अलावा कुछ और ना बनना। लेकिन हमने पहले सारे शोबे छोड़ दिए, आलिम भी नहीं बने, इनके साथ मोहब्बत करने वाले भी नहीं बने, इनके साथ जिनाबे वाला बैठने वाले भी नहीं बने। बने तो क्या जिनाबे वाला, वो फेसबुक पे एक बात चल रही थी ना मास्टर साहब, फेसबुक पे बात चल रही थी, कहता ईद की नमाज इमाम के पीछे पढ़ के बंदा नमाज पढ़ के निकला, उसको तकबीरों का नहीं पता था। इमाम साहब ने जो तकबीरें कही उसको तकबीरों का पता नहीं था, किंग अक्षियों से देख रहा था तकबीरें कहने कैसे, नमाज पढ़ने का तरीका नहीं आया, और पढ़ते हुए मस्जिद से बाहर निकलते हुए कहते मौलवियों ने दीन का बेड़ा गर्क कर दिए। बात समझे, नमाज ईद पढ़ने का तरीका खुद नहीं आता। यानी हमारा एक निज़ाम ऐसा बन गया ना कि जो काम शरीयत ने हमें करने का हुक्म दिया हम वो नहीं करते हैं, और जो नहीं करने का हुक्म दिया वो हम कर रहे हैं। आका फरमाते इल्म वाले बनो, इन वालों से मोहब्बत करने वाले बनो, इनके पास बैठने वाले बनो, इनकी बातें सुनने वाले बनो। पांचवी छठी चीज कोई ना बनना, वो क्या इनका मुखालिफ ना बनना। हम अगियार की बातों में आके ये नहीं बने और वो बन गए। हमें हुक्म दिया गया पड़ोसियों के साथ आपने अच्छा सलूक करना है, पड़ोसियों के साथ मैंने कहा ना आका फरमाते इतनी बार तशरीफ लाए मेरे पास, इतनी बार जिब्रील अमीन पड़ोसियों के हुकूक लेकर आए, हत्ता जनंतु अन्नहु, यहां तक के मुझे दिल के अंदर यह ख्याल गुजरा कि शायद पड़ोसियों को माल के अंदर वारिस न बना दिया जाए। और हमारे यहां क्या होता है जिनाबे वाला, हमें अपने पड़ोसी का फिर फरमाया ज्यादा बेहतर बात यह पड़ोसियों के खैर खबर आप करने के लिए तहादु औ तहाबु, मोहब्बत बढ़ाओ, और मोहब्बत बढ़ाने के साथ साथ हदीये दो, हदीये दो। मौलवी की बात नहीं कह रहा हूं कि मौलवी को हदीये दो, पड़ोसी की बात कह रहा हूं, आपके घर का जो पड़ोसी होगा उसको हदीये दो, मौलवी को दे दो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन पड़ोस अच्छा, फिर यूं भी फरमाया हदिया देने में कभी आर महसूस ना करो, लेने की बात बाद में देने की बात पहले, हदिया देने में आर महसूस। सुनना सुनना, अगर तुम्हारे घर के अंदर बकरी का एक खुर भी हो ना छोटा सा खुर, आप उस खुर को भी हदिया देना तुम्हारा काम है, देने और लेने वालों के दिलों में मोहब्बतें पैदा कर देना रब्बुल जलाल का काम है। इसलिए पड़ोसियों का ख्याल रखना, पड़ोसियों के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात बनाना, यह भी मेरे नबी की बाकायदा तौर पर एक हुक्म है, शरीयत का हुक्म है। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए।